ये डर तो नहीं लग रहा? नहीं 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 लग रहा भाई। साइड में ना चलते हुए भी देख रहे हैं कि कौन चश्मा लगा के चला रहा है। जो आपके यहाँ आते हैं टेस्ट ड्राइव वैसे ही लेते हैं? वैसे ही लेते हैं, मतलब फिर टेस्ट नहीं चला। धीरे धीरे चला। जबरदस्त जबरदस्त। अब कट देखना भाई। ये देखो यार, ओ भाई साहब, गाड़ियों का शौक तो आपको है ही, तभी तो वीडियो देख रहे हो। तो भाई वीडियो देखते देखते अगर आप जीत जाओ द बीस्ट एसयूवी महिंद्रा थार, तो भाई मजे नहीं आ जाएंगे? तो भाई वो मजे कैसे आएंगे और कैसे जीत सकते हो महिंद्रा थार, ये वीडियो पूरा देखते रहना, आगे पता चलेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना संस्कारी सुमित। आज कुछ नेक्स्ट लेवल होने वाला है भाई, आज सच में कह रहा हूँ नेक्स्ट लेवल है। रीज़न क्या है वो आप देख रहे हो अपने सामने। अपने सामने है ट्रैवलर, फोर्स की ट्रैवलर, जो भाई किंग है ट्रैवल एजेंसी के लिए, या फिर ये कहें जो अभी परिवार के साथ या बड़े ग्रुप में घूमना चाहते हैं ना उनके लिए। और केवल अपने पास ट्रैवलर नहीं है, अपने पास उसकी चाबी भी है। इसका मतलब समझ रहे हो भाई साहब, इसको लेके चलेंगे चलाएंगे भाई, लाइफ में पहली बार वाला एक्सपीरियंस होने वाला है। लेकिन उस एक्सपीरियंस से पहले आपको एक्सपीरियंस कराता हूँ कि गाड़ी में क्या स्पेशल है भाई। ये अपने पास है 13 सीटर, मतलब एक ड्राइवर जो होगा वो एक्स्ट्रा है, 13 लोग इसमें बैठ जाएंगे। और भाई कम नहीं है ये, सब सारी की सारी सीटें जो है ना वो पूरी की पूरी रिक्लाइनर हैं। उसके साथ साथ एसी इतना धांसू है इसमें भाई, जरा से मैं ठंडा कर दे रहा है। फिलहाल एक बार इसकी बात करें पूरे लुक की, लुक से पहले बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। प्राइसिंग है इसकी 17,94,000 रुपये, मोटा मोटा 18 लाख रुपये एक्स शोरूम। ठीक है, अब बात आती है, एक बार पूरा साइड प्रोफाइल लेते हैं हम। ये है भाई, भाई 5600 mm, मतलब 5.6 मीटर इसकी ओवरऑल लेंथ है। ट्रैवलर ग्राफिक्स कुछ चेंज हो गए, मस्त लग रही है देखने में। और अंदर आपको भाई, चल रहा हूँ ना मैं अंदर इसके गैलरी में, तो बिल्कुल सिर नहीं झुकाना पड़ रहा। उस रूफ से आपको अंदाजा लग जा रहा होगा कितना बड़ा इसमें हेडरूम आपको मिल रहा है। व्हील बेस हम देखते हैं, तो भाई व्हील बेस से ही इनके मॉडल नंबर होते हैं। ये है T1350, मतलब 3350 mm इसका व्हील बेस है। और लेंथ जैसे बताया 5.6 मीटर। यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका फ्यूल फिलर कैप, तो भाई डीजल इंजन है ऑब्वियस सी बात है भाई। इसमें कैपेसिटी आपको मिल जाती है कितनी, पूरे पूरे 70 लीटर की। अब आती है बात इसके टायर प्रोफाइल की, वैसे अभी अंदर भी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल खिड़की वगैरह देखे, जो खिड़की का अंदाजा लेना चाहता है वो आप ले लो। सिटिंग स्पेस अंदर दिखाऊंगा, लाइट वाइट सब LED है इसमें। फिलहाल टायर देखते हैं, तो टायर आपको मिल रहा है प्रोफाइल 215/75 R15 रेडियल है, और भाई ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। FM 2.6 CR, जो जान है इनकी ना, वो इसमें इंजन है, वही 2600 cc का कॉमन रेल इंजन। और अगर पावर की बात करें तो मिलती है आपको लगभग 115 bhp की। टॉर्क की बात करें वो मिल जाता है 350 Nm का। ये है फ्रंट लुक कुछ इस तरह से, थोड़ा सा अपग्रेडेड वाला फील हो रहा है ना, फील ही नहीं हो रहा है भी भाई। आप ये देखो, ऐसा लगता है देखने में जैसे LED है, लेकिन LED नहीं है, अंदर इसमें बल्ब जल रहा है। नीचे आप देखते हो तो इस तरह से दोनों के दोनों रिफ्लेक्टर है, हाई एंड लो के लिए, और भाई हैलोजन बल्ब भी है। ये है पूरा रुक। और भाई ये देखो, सामने देख रहे हो पूरा का पूरा आपको रेडिएट करने के लिए दिया हुआ, AC यूनिट का रेडिएटर है ये भाई, क्या जबरदस्त मतलब कूलिंग देता है, बहुत तगड़ी यूनिट है। नीचे आपको फॉग लैंप दिए हुए हैं इस तरह से, ठीक है। ये पूरा लुक है। और क्या चीज़ बची बाहर से? बाहर से तो कुछ नहीं बचा, लेकिन पीछे ज़रूर बचा है। पीछे हम देखते हैं तो ये है रियर लुक भाई, ट्रैवलर सुपर, ये जो अपना है ना ये सुपर नाम से है, थोड़ा सा अपग्रेडेड मॉडल है। और ये हो गया अपने टेल लैंप, स्टॉप लैंप, स्टॉप लैंप, ये इंडिकेटर, ये हो गया रिवर्स, और ये भी स्टॉप लैंप नहीं है ही नहीं भाई, अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। 4 पॉइंट आपको मिल जाते हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर, और कुछ ये है मामला पूरा का पूरा। एक बार इसे खोल के दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके बाद तो अपने चलाएंगे। ये है पीछे का मामला पूरा का पूरा, और अंदर से खोलेंगे जो इमरजेंसी गेट है बेसिकली, इस तरह से खुल जाएगा। और भाई ये पूरा का पूरा है, ठीक है। कहाँ से लॉक है? हाँ यहाँ से, ये रहा ये, ठीक है। तो भाई ये नजारे हैं पूरे के पूरे, देखो 2+1, मतलब ये सेटिंग सेटअप है। ये टींटिंग क्यों हो रही है बताएं भाई? इसमें हजार्ड का वो है ऑप्शन, इंडिकेटर अपने चालू हो जाते हैं जैसे कोई भी डोर, चाहे इधर वाला चाहे उधर वाला चाहे पीछे वाला, ये बीप होने लगेगी, इससे पता लग जाता है सेफ्टी के लिए कि भाई कुछ ना कुछ डोर वगैरह खुला हुआ है, इसको लगाते हैं। और भाई एक और चीज़ देखो, इसमें अंदर ही दिखाऊँ या यहाँ दिखा दूँ? चलो यहीं देख लो, यहाँ देख लो ये भाई, इसमें नीचे वो मतलब क्या है, रबर टाइप का केमिकल है ये, इतनी लेयर है, और उसके ऊपर ये शीट है। इससे क्या है, जो NVH है ना लेवल, वो कंट्रोल रहते हैं, वाइब्रेशन फील नहीं होती पैरों में, नहीं तो झंझना जाते हैं ना, वो चीज़ नहीं है। ये चीज़ बहुत सही लगी मुझे। अब इसको करते हैं ज़रा बंद, और इसको भी कर देते हैं यहाँ से। हाँ नहीं, सही से नहीं हुआ, हाँ ये हो गया सही से बंद। अब ज़रा चलते हैं इसके अंदर, अब अंदर दिखाता हूँ आपको। वैसे बाहर की सारी चीज़ें हो गई ना ऑलमोस्ट, हाँ एक चीज़ बची, क्या इसका ग्राउंड क्लियरेंस,
मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस है इसका 200 mm का, ठीक है। अब चलते हैं अंदर। चलो अब बात कर लेते हैं आप कैसे जीत सकते हो द बीस्ट एसयूवी महिंद्रा थार। आज का जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच होने वाला है वो तो आप देखोगे ही भाई। उस मैच को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में जो नीचे लिंक दिया हुआ है उस पर जाकर डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप, और भाई वहां पर जाकर उसको डाउनलोड करके आप अपने जो क्रिकेट के स्किल्स है ना उसको यूज करते हुए अपनी टीम बनाओ आज के मैच के लिए। फैंटेसी क्रिकेट खेलना है बहुत ही आसान, आपको बस दोनों अलग अलग टीमों से 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं और उन 11 प्लेयर से अपनी एक टीम बनानी है। आपकी टीम और जो अपोनेंट की टीम है उन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, और भाई जैसे परफॉर्मेंस करेंगे ना आपके प्लेयर उसके अकॉर्डिंग मिलेगा आपको पॉइंट्स। अब अगर आपके पॉइंट आपके अपोनेंट के पॉइंट से ज़्यादा हुए तो भाई आप होंगे विनर और आप जीतोगे बहुत ही एक्साइटिंग प्राइज माई 11 सर्कल ऐप पर। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के हर मैच में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो बीस्ट एसयूवी महिंद्रा थार। और अगर आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड करते हो माई 11 सर्कल ऐप और कुछ भी अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा रियल कैश आपके माई 11 सर्कल अकाउंट में, और डिपॉजिट करते ही आपको मिलेगा 1500 रुपए का बोनस। तो भाई डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप और आज के इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के मैच के लिए टीम बनाओ। ये देखो टीम फिर से शुरू हो गई, अभी इसको बंद कर दूंगा। फिलहाल सीट आप देखो ये इसमें एक्स्ट्रा लगती है, वैसे आपको 12 प्लस ड्राइवर मिलती है, ये है 13 प्लस ड्राइवर। ये यहाँ से इस तरह से टंबल हो जाती है और टंबल के लिए भाई ये देखो सेफ्टी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम ऐसे कर देंगे ये, और अब ऐसा नहीं है ये ऐसे नीचे आ जाएगा भाई, ये फंस जाता है यहाँ पर भी। अब जरा ऊपर चढ़ते हैं भाई, ये टी 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 को थोड़ा सा बेयर करना यार, या फिर बंद कर लेते हैं ना, बंद करो इसे। हाँ अब वो शांति, और देखो बढ़िया क्या है इसमें भाई अंदर का सेफ्टी वाला मतलब लॉक जो है वो ये है यहाँ पर इस तरह से, और भाई पावर विंडो है इसमें ये देखो, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी ड्राइवर साइड दी है, दोनों की आगे की जो विंडो है ये पावर विंडो दी हुई है। अब है असली खेल अंदर की जगह भाई, इस तरह से सीट दी हुई भाई कंफर्टेबल कितनी लग रही है देखो, एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया हुआ है सिर के लिए, और उसके साथ जो मैं आपको बता रहा था देखो सबसे पहले तो ये आर्म रेस्ट देखो कहानी, ऊपर करा नीचे करा ये पूरा का पूरा फ्लैट हो गया, मतलब अगर आपको निकलना है बाहर ना सीट से आप बैठे हुए हैं निकलना है तो आप इजीली निकल सकते हो, और वहीं इसको आप ऐसे करोगे दोबारा से ये अटक गए हैं, कितना बढ़िया सिस्टम है। और भाई रिक्लाइनर भी है, ये रिक्लाइनर कहाँ से होता है, ये लीवर है, इसको दबाओगे और बैठे बैठे आप पीछे जोर मारोगे ना तो पीछे की तरफ लेट जाती है सीट। अंदर की सीट के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है ये रहा लीवर, ठीक है, सब में ऐसे ही है, कार वाले फीचर है भाई, कंफर्ट तभी तो सबसे ऊपर रहता है यार। इस तरह से पूरा का पूरा सिटिंग लेआउट है, आप इसमें जो GPS ट्रैकिंग है वो भी लगवा सकते हैं, और उसके लिए एमरजेंसी बटन्स ये दिए हुए हैं पिलर्स पर देखो, और ये रहा यहाँ पर भी वहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। और ये रहा फर्स्ट एड बॉक्स, दो फायर एक्सटिंग्विशर आगे दिए हुए हैं, एक फायर एक्सटिंग्विशर पीछे दिया हुआ है, पूरी की पूरी LED लाइट आपको दी हुई है, और जो सबसे टॉप की चीज़ थी वो है AC। ये एक बार गाड़ी को पहले स्टार्ट करता हूँ यार, है ना, स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ AC का सीन क्या है। अरे यार भाई सेफ्टी ज़्यादा ही हो जाती है कभी कभी भारी। ये हो गया, अब जरा इसको लगाते हैं चाबी को और करते हैं स्टार्ट। ये हो गई अपनी गाड़ी स्टार्ट, कड़ 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 वही आवाज़ आने लगी, और भाई ये है अपना AC यूनिट, ये देखो ये लो हुआ, ओ भाई लो मीडियम हाई, ओ भाई साहब, और ये देखो ये है AC का बटन, यहाँ से ऑन हुआ यहाँ से ऑफ हुआ, और ये दो यूनिट अलग अलग दे रखी हैं, इसको पहले मैं कमी करता हूँ, दो यूनिट अलग अलग हैं, ये आगे की हुई और वो हुई अंदर पीछे की, ये देखो इसको इस तरह से यहाँ से भी कर सकते हैं, आगे पीछे दोनों तरफ से जोर लगेगा, और भाई कैबिन ऐसा कूल हो जाता है, मैं एक्चुअल में इसे अभी चला चुका हूँ, दोबारा से चलाऊंगा वीडियो में, लेकिन पहले खुद को तो फील लेना था यार, तभी तो हम कुछ बातें कर सकते हैं उसके बारे में। तो भाई ये है पूरा का पूरा मज़ा, ओ भाई साहब पसीना आ रहे हैं मुझे, और भाई ठंडी हवा लग रही है तगड़ी, इसको यहाँ से करते हैं बंद, ठीक हो गया बंद, और ये ब्लोअर है अंदर, इसी के अंदर कॉइल जा रही हैं, जो खींचता है ना हवा वही यहाँ से नीचे से खींचता है, और यहाँ से ब्लोअर जो है वो फेंकता है, ठीक है, पूरा सिस्टम हो गया। और भाई इसमें नाइट लैंप भी है, ये देखो दिखाता हूँ, अभी तो ये लाइट जल रही है ना पूरी, ठीक है, और ये देखो ज़रा इस तरह से नाइट लैंप है, ठीक है, और वहीं इसको बीच में कर दिया सब बंद हो गया, इसको ऊपर कर दिया तो ये हो गया अपनी रात वाली लाइट, ठीक है, हाँ AC बंद था, ठीक हो गया, अब इसको करते हैं बंद, और ये हो गया हेडलैम्प लेवलिंग, 12 वोल्ट का सॉकेट हो गया, एमरजेंसी जैसे पीछे लगे हुए वैसे ही बटन हो गया, ये है अपना रीजनरेशन के लिए क्योंकि डीजल है और BS6 है ये ज़रूरी है, और उसके साथ साथ ये हो गया अपना भाई देखो बीप बीप बीप, ये एमरजेंसी के लिए कि लोगों को पैसेंजर को इशारा हो जाए, और भाई मतलब सिग्नल है बेसिकली कि आप पीछे का डोर खोल के बाहर जा सकते हैं,
ठीक है, किसी भी इमरजेंसी में ये ऑन कर दिया जाता है। ठीक हो गया, ये है। और भाई फोर्स टू टोन का हॉर्न है, ये हो गया अपना क्लस्टर पूरा का पूरा। और ये है अपना टैको, ये स्पीडो। और भाई स्पीडो 180 की क्या करे स्पीड भाई 80 पे लॉक है यहाँ देख रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है बिल्कुल जैसे कारों में मिलता है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है टोटल किलोमीटर, उसके ऊपर वो हो गया अपना एड ब्लू का सिंबल। और भाई दोनों बटन्स दिए हुए हैं मोड वगैरह चेंज करने के लिए। चलो टेम्परेचर वगैरह सब दिया हुआ है। और भाई ये पूरी की पूरी कहानी है, आगे भी लैंप दिया हुआ है ड्राइवर के लिए, ये बहुत बढ़िया। अब जरा चलते हैं यार सीट पे बैठते हैं, और सीट पे भी बढ़िया है, आगे पीछे ऐसे ऐसे सीट नाचती है भाई, मतलब एडजस्ट कर सकते हैं इसका पूरा का पूरा अंडर थाई सपोर्ट। अभी जरा उधर से दिखाता हूँ मैं भाई। अब देखो यहाँ से ये देख रहे हो आगे से उठ रही है इससे, और ये पीछे से ऊपर नीचे हो रही है। चलो भाई ये हो गया सिस्टम, अब इसको चलाते हैं और भाई मजे लेते हैं गाड़ी के। चलो भाई अब आ गए हैं अपने ड्राइवर सीट पे, और सबसे बढ़िया चीज़ क्या लग रही है, जो इसके ORVM है ना भाई, कितने कितने बड़े हैं आप वो दिखाओ। ORVM इसके देखो जरा कितने कितने बड़े हैं भाई। और गियर कैसा है भाई, इस तरह से जो अपने रेनो चलाई हुई है ना पहले, ऐसे उठाया और इसको इधर करके पीछे, बस बीप आ गई है आवाज़। और जरा करते हैं, और अभी जब मैं चला के लाया था इसे भाई, इसका टर्निंग रेडियस इतना कम लग रहा था मेरे को। ओहो, पावर स्टेयरिंग अगर ना होता इसमें तो भाई क्या ही हाल होता। ये इसका ज्यादा ही नहीं कटता स्टेयरिंग कुछ है लगता है। हाँ इसके तो ज्यादा ही ऐसा लग रहा है कई चक्कर काट रहा है ये। ओ भाई साहब, भाई सड़कों पे देखते थे ये खाली चलाते हुए। भाई आज फील होगा कि जो बड़ी गाड़ी वाले हैं ना उनको क्या क्या तकलीफें होती हैं। और शुरुआत हो गई, मैं इंडिकेटर दे रहा हूँ, इधर को मोड़ भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी भाई बाइक वाला जो था वो पी करते हुए घुसा जरूर है। और कहीं ना कहीं कार को एक बार को पास दे दिया जाता है, लेकिन भाई हम देखते हैं ना बड़ी गाड़ी होती है उसके यार पास नहीं देते। ओहो भाई उठा देखो कैसे दबती आगे को। क्या भाई स्टीयरिंग बड़ा मस्त लग रहा है यार इसका, बिल्कुल कार जैसा लग रहा है यार, सॉफ्ट बिल्कुल। और वैसे सही बताऊं ये हम ऊंचाई पे बैठे हैं, स्टेयरिंग बढ़ा है तब देखने में अजीब लग रही है, लेकिन अगर इसकी चौड़ाई की बात करें ना तो भाई इसकी चौड़ाई है 1900 mm, मतलब 1900 mm। अब 1900 mm कितनी है तो भाई मोटा मोटा देखो जो अपनी SUV है ना उसके जितनी। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है जो इसकी सिटिंग है ना उससे भाई, जो पॉइंट ऑफ व्यू अपना बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये डर तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं डर नहीं लग रहा। वैसे उस दिन वो चला रहा था, मैं क्रूजर चला रहा था ना, तो भैया साथ ही थे, मैंने कहा आदत हो गई मुझे। तो चलने में बढ़िया लग रही है यार, मर्सिडीज की ड्राइव लाइन है। ये भी तो बहुत भगाते हैं नहीं? बिल्कुल। और ऐसे ही नहीं भगाते यार, पूरा सपोर्ट दे रही है ये देखो। वैसे तो लॉक है 80 पे स्पीड है। वही 80 पर ही है इस समय। वो यार हाइट पर है तो पता नहीं लग रही यार स्पीड है ना। महसूस नहीं। बहुत बढ़िया। और इसमें वही है जैसे स्कॉर्पियो वगैरह में फील आता है ना, आगे नोज डिप होने वाला, तो बिल्कुल भाई ब्रेक जब लगती है ना वही फील आता है। देखो ये देखो ये सही है यार, ब्रेकिंग सेट है इसकी बिल्कुल। भाई साइड में ना चलते हुए भी देख रहे हैं कि कौन चश्मा लगा के चला रहा है। अभी अभी एक और बस वाला गया है, क्योंकि बस वालों की आपस में ट्यूनिंग चलती है नहीं? हाँ। बस वालों की आंखों आंखों में बातें चलती है भाई। अभी साइड से गए हैं हमारे सरदार जी, गए तो वो देखते जा रहे हैं, कह रहे हो
भाई ये चीज दिखती भी कमी है ना, किस तरह का कमर्शियल का टेस्ट ड्राइव रिव्यू हो रहा है कभी यूट्यूब पे। वैसे तो हो जाते हैं, होते नहीं है ना, ना ना बहुत कम। हाँ वैसे रिव्यू तो हो जाते हैं, लेकिन अगर हम कहें टेस्ट ड्राइव रिव्यू तो वो बहुत कम होते हैं। भाई लो लद्दाख वद्दाख ऑफ रोड में जाती है ना ये देखो। ओ भाई साहब ये मारे न्यूटन। ओहो व्हील स्पिन यार, इसका गियर थ्रो कितना छोटा है ये देखो जरा, अपनी कार से भी छोटा गियर थ्रो है इसका, ये इतना सा बस। भाई लेकिन फील हो रहा है, वो राजा वाली फीलिंग नहीं होती कि भाई सबसे ऊपर है, बताओ कार कितनी सी लग रही है। वे एक चीज है यार, उनका पेशेंस देखा करो तुम, जो बस होती है या ट्रक होते हैं ना, वो अपने आप को आपसे कितना ऊपर फील करते हैं। देखो जरा अब ये क्या लग रही है, कुछ भी नहीं लग रही नीचे, कितनी नीचे है, लेकिन फिर भी नीची गाड़ी वाला एटीट्यूड दिखाता है है नहीं? सही बात। नीची गाड़ी वाला एटीट्यूड इतना दिखाता है, जबकि भाई कितना पेशेंस रखता होगा यार ड्राइवर वो, इसीलिए भाई मत किया करो, ऐसा लगता है राजा हूँ सड़क का, और फिर भी भाई वो आपको कह देता है चलो चलो आगे बढ़ो। ओहो जो आपके यहाँ आते हैं टेस्ट ड्राइव ऐसे ही लेते हैं, सबसे बढ़िया मुझे लगा इसका सबसे अच्छी चीज इसका टर्निंग रेडियस सबसे पहली चीज। उसके बाद इसकी बढ़िया लगी क्या भाई, इसका स्टीयरिंग व्हील, और फिर आया इसका पिकअप, ये फिर आया इसका गियर थ्रो, भाई बिल्कुल कार वाली फीलिंग करा रहा है ये। कैरेवन के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें चलाने में, कार वाला जो बड़ी कार चला रहा है जैसे एक्सयूवी चला रहा हूं तो मुझे थोड़ी बहुत आदत है उस लंबाई को संभालने की। हाँ एक बार को छोटी गाड़ी चला रहा होता तो थोड़ा कट लेने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होता। सही में एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है यार, पहले वाली गाड़ी में होती थी बड़ी आफत, स्टीयरिंग भी पावर स्टीयरिंग नहीं होता था, पूरी कसरत, लेकिन अब तो भाई फील बहुत बढ़िया है। एक्सीलेटर भी इसका, हाँ जो ये मॉडर्न गाड़ियां है ना बहुत बढ़िया फीलिंग है यार। ओ हो 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 जबरदस्त जबरदस्त, अब कट देखना भाई ये देखो यार, ओ भाई साहब यहाँ से घुसी है, वहां दिखाओ जरा, यहाँ से घुसी है और भाई यहाँ पर आके खड़ी हो गई है गाड़ी, क्या बात है भाई, वाकई में इसका कट ज्यादा है यार बहुत। तो भाई इस तरह से रखते हैं वीडियो को, चलाने में बड़ा मजा आया, बहुत कहोगे भाई कैसे चला रहे हो कैसे, लेकिन अगर पूरा पोटेंशियल इसका ना है ना, अगर गाड़ी इस तरह से हमें सपोर्ट कर रही है तो भाई वाकई में गाड़ी में कुछ है। तो भाई करते हैं वीडियो को एंड, और वीडियो कैसा लगा बताना जरूर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार जी चैनल को। जय हिंद भाई, भूलना मत डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके डाउनलोड करो माय लेमन सर्कल ऐप और जीतो द बेस्ट एसयूवी महिंद्रा थार और 20% एक्स्ट्रा कैश अपने डिपॉजिट पर।